नमस्कार श्रावस्ती तक न्यूज से। 4.5 साल काम बेमिसाल, बही विकास की गंगा। भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर विधायक रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जनपद के भिनगा में पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष ने तथा 290 विधानसभा इकोना के भाजपा विधायक ने प्रोग्रेस कार्ड मीडिया के समक्ष रखा है और बताया कि 4.5 सालों में विकास की गंगा बही है। भाजपा विधायक रामफिरन पांडे अपने 4.5 साल में कराए गए विकास कार्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बखान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4.5 सालों में विकास ही विकास नजर आया है। सड़कों का जाल बिछ गया है, जनपद की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए शिक्षा की, तो जनपद की शिक्षा जो 0 पायदान पर थी, लेकिन आज शिक्षा का स्तर बढ़ा है। जहां कल पूरा देश कोविड काल में कोरोना की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं श्रावस्ती कोरोना जैसी महामारी को हराकर प्रदेश में नंबर 1 बना। जहां की स्थिति कोरोना पॉजिटिव केस 0 है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों ने मेहनत करके कोरोना जैसी महामारी को पराजय दी है। भाजपा विधायक रामफिरन पांडे ने कहा, 4.5 सालों में जो सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही थीं, आज उनका सुंदरीकरण और चौड़ीकरण कराकर जनता को एक तोहफा देने का काम किया है, जिसमें ककरदरी बहराइच मार्ग बहुत ही बदहाल हो चुकी थी। प्रदेश स्तर पर बात करने पर वह सपना भी पूरा हुआ और 73,33,23,000 की लागत से रोड निर्माण का काम तेजी से शुरू हो चुका है। इन 70 सालों में जितना विकास नहीं हुआ था, उतना योगी सरकार के 4.5 सालों में विकास की गंगा बही है। वहीं पूर्व सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्र ने कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। 2017 में चुनाव से पहले सरकार ने संकल्प पत्र जारी किया था। हमारी सरकार गठन के पहले दिन से ही उसको अमल में लाने का काम कर रही है। चाहे किसानों की ऋण माफी का मामला हो, भयमुक्त समाज निर्माण का मामला हो, आज पूरे प्रदेश में माफिया या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर है। 1 लाख तक का ऋण किसानों का माफ किया गया है, जिससे किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया गया है। महिला सुरक्षा के तहत भी सरकार ने अच्छा काम किया है। मिशन शक्ति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण करने का कार्य जारी है। हुए 1,985.99 लाख की धनराशि भेज की गई है। जनपद में बाढ़ आपदा नियंत्रण हेतु 2 परियोजनाएं संचालित है, जिन पर अब तक के 479.78 लाख की धनराशि का भेज किया जा चुका है। विभिन्न विकास क्रमों जैसे सड़क, पुल, पुलिया, भवनों के निर्माण व अन्य विकास कार्यों के अंतर्गत जनपद में कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कुल 300 परियोजनाओं पर 16,838.91 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कार्य कराए गए हैं। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 1,257 परियोजनाओं पर 2,504.36 लाख की धनराशि व्यय करते हुए विकास कार्य चलाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 14,053 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए 16,863.60 लाख का अनुदान उपलब्ध की सरकार का योगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और जो 2017 के चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, हमारी सरकार अपने गठन के पहले दिन से ही उस पर एक एक करके अमल करने का काम कर रही है। चाहे किसानों की ऋण माफ़ी का मामला हो, चाहे भयमुक्त समाज के निर्माण का मामला रहा हो, आज पूरे प्रदेश में जो है के माफिया या तो जेल के अंदर हैं या तो प्रदेश से बाहर हैं, एक भयमुक्त समाज के वातावरण बनाने का काम हमारी प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। 1 लाख तक का ऋण माफ करके किसानों के
जीवन में राहत पहुंचाने का काम हमारी प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हमारी प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से किसानों, नौजवानों, मजदूरों सबकी बेहतर। कृपया हमारे YouTube न्यूज़ चैनल श्रावस्ती तक को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।